1 फरवरी से ई कॉमर्स को लेकर नए नियमों के लागू होने के बाद अमेरिकी कंपनी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में 77% हिस्सेदारी रखने वाली वॉलमार्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन शुक्रवार को $5,000 करोड़ कम हो गया। 1 फरवरी से ई कॉमर्स को लेकर नए नियमों के लागू होने के बाद नैसडैक पर लिस्टेड अमेज़ॉन के शेयरों में 5.38% की गिरावट आई और कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में $4,522 करोड़ की कमी आई। इसी तरह NYSE पर वॉलमार्ट के शेयर 2.06% गिर गए और कंपनी के मार्केट कैप में $570 करोड़ की कमी आई। अमेज़ॉन के शेयरों में गिरावट की एक वजह गुरुवार को आए दिसंबर तिमाही के नतीजे भी बताए जा रहे हैं, जिसमें कंपनी के खर्च में बढ़त की योजना जिक्र है। इस बीच फ्लिपकार्ट ने कहा कि वो सरकार की तरफ से ई कॉमर्स कंपनियों में FDI के नियमों में बदलाव के फैसले को जल्दबाजी में लागू करने पर निराश है। नए FDI नियमों की घोषणा दिसंबर में की गई थी, जिनमें उन कंपनियों के सामान ऑनलाइन बेचने की सीमा तय की गई है जिनमें निवेश करने वाली कंपनी की हिस्सेदारी विदेशी कंपनी के पास है।